सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो बहुत प्रसिद्ध है, सकलो दुर्मति दूर करूं अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चली आओ। प्रथम अर्धाली में बात आई है सकलो दुर्मति दूर करो। मैंने सुना है कबीर दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ, और क्या कहा, सकलो दुर्मति दूर करो अच्छा जन्म बनाओ। मति एक है, मति में ही सुमति दुर्मति, इसलिए सकलो शब्द दुर्मति का विशेषण न माना जाए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कबीर दुर्मति दूर करूँ अच्छा जन्म बनाओ। कबीर साहब क्या कहते हैं, दुर्मति को दूर करो, एक ही है ना। हाँ, दुर्मति के कारण जो गलत क्रिया होंगे वो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न गलतियां हो सकती हैं, कई अलग अलग प्रकार की, वो कई होंगे, लेकिन मति एक है, तो सकलों की बात नहीं है वहां पर, है एक ही है। ये मैंने एक विद्वान संत से सुना, और शायद ये फतवा के बीजक में ये पंक्ति है। अब मैं एकदम से कन्फर्मेशन तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये मैंने सुना। बात आई पाठ भेद होता है, प्रसंग आया कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कबीर दुर्मति है कि सकलो दुर्मति है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महत्व जो भाव है उस पर जाएं। सद्गुरु क्या कहते हैं, इस साखी में चार बातें हैं। पहली बात क्या कहते हैं, दुर्मति को दूर करो। दूसरी बात, जन्म को अच्छा बनाओ। तीसरी बात, कौवे की चाल को छोड़ दो, और अर्थात कौवे के समान चाल, कौवे में जो गलत चाल है, गलत क्रियाकलाप है, और वह आचरण यदि हम में है तो उसे छोड़ दो। क्या करना है, हंस की चाल में चले आओ। हंस का जो पवित्र आचरण है उसको धारण कर लो। चार बातें होते हुए भी यदि इसको हम देखें और थोड़ा रिड्यूस करें ना, कम करें, तो क्या होगा, दो ही बातें हैं, दो ही बातें हैं, यह करो यह न करो। आगे चल के मैं कहने वाला हूं एक ही बात है, अभी तो कह रहा हूं चार बात का मतलब है दो ही बात है, डू और डू नॉट, करो और यह करो और यह न करो। जितनी भी कहानियां आज तक हम लोगों ने पढ़ी और सुनी है या नहीं सुनी, कहानी है, दो ही प्रकार की कहानियां हैं, दो ही प्रकार की। एक प्रकार की कहानी जो हमें नसीहत देती है, सबक सिखाती है। दूसरी प्रकार की जो कहानियां हैं वो क्या हैं, मिसालें, मिसाल कायम करती हैं। अब महाकाव्य को भी देख लो ना, महाकाव्य को भी देख लो, महाकाव्य जो प्रसिद्ध क्या है अभी, चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, रामायण के कुछ ऐसे पात्र हैं जिनके आचरण अनुकरणीय नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं, संदेश क्या है वहां से, ऐसा न करो,
ऐसा न करो। और कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके जीवन चरित्र बहुत उत्तम है, बहुत से अंश उनके बहुत उत्तम है। क्या करना है? ऐसा करो। वो मिसाल है, कोई भी कहानी आप देख, कोई भी कहानी आप उठा पढ़ लीजिए, क्या आएगा? जो कहानी संदेश दे रहा है, ऐसा मत करो। या फिर ऐसी भी कहानी होगी, क्या है? ऐसा करो। सद्गुरु क्या कह रहे हैं? दो ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहली बात में ऐसा न करो, दुर्मति को दूर करो। अपनी दुर्बुद्धि के नाते जो गलत आचरण होते चले जा रहे हैं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। जन्म को अच्छा बनाओ, तो जन्म को अच्छा बनाने का क्या मतलब है? मनुष्य का जन्म तो हो ही गया ना, अब क्या इसको अच्छा बनाओगे? इससे बढ़िया तो जन्म होता ही नहीं है। नर समान नहीं कौने उदेही, जीव चराचर याचत यही, मानुष जन्म दुर्लभ है बहुर न दूजी बार। अब मनुष्य का जीवन तो, मनुष्य का शरीर तो मिल ही गया है, तो जन्म तो मिल ही गया है। यहां जन्म का मतलब है जीवन। क्यों? केवल जन्म का मिलना ही पर्याप्त नहीं है, जन्म का मिलने का मतलब है एक संभावना का मिलना। एक संभावना है, बहुत बड़ी संभावना लेकर के हम आए हैं, अब क्या करना है? उस संभावना को प्रकट करना है, इन संभावनाओं को अब हमें सत्य में तब्दील करना है, उसको बाहर निकालना है। मैंने कितनी बार ये उदाहरण दिया, बीज में वृक्ष समाया है, बीज में वृक्ष समाया है, वृक्ष बनने की संभावना है, लेकिन यदि उस संभावना का हम प्रकट न करें, उसको प्रकट न करें, तो क्या होगा? बीज में वृक्ष तो है, और केवल वृक्ष नहीं है, उस वृक्ष में न जाने कितनी पत्तियां, कितने फल, कितने फूल, और उन फलों में फिर बीज हैं, और उन बीजों से कितने पेड़ और कितने क्या हो गए। एक बार कहीं सोचने लग जाओ ना तो लगेगा, ओ बहुत सही कहा है एक विद्वान ने, कि एक एप्पल है, सेब है, उसमें कितने बीज हैं ये कोई भी मूर्ख भी गिन सकता है, इतने बीज हैं, लेकिन एक बीज में कितने सेब हैं, कितने एप्पल हैं, हम लोग गिन पाएंगे? नहीं गिन पाएंगे। इतनी संभावना है हम सब में, लेकिन उन संभावनाओं को यदि हम वास्तविकता में परिवर्तित न करें तो संभावनाएं धरी रह जाएंगी। बीज को वपन करके मिट्टी में बो करके न सींचे तो वृक्ष नहीं दिखाई देगा, नहीं देगा न वो फूल न वो फल, कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हमारे अंदर में जो गुण हैं, विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने की शक्ति है, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, इस सारी काबिलियत लेकर के हम पैदा होते हैं, सारी योग्यताओं को लेकर के हम पैदा होते हैं, और हम चुनाव करते हैं मुझे ये करना है, ये करना है। हम लोग यहाँ आ गए साधना मार्ग में, लेकिन यदि हम ये चुनते कि साधना के बदले हम ये चुनते मुझे व्यवसाय करनी है, तो क्या वहाँ धन न कमाते? खेती करनी है तो खेती न कर पाते? लेकिन वह सब छोड़ करके हमने क्या किया? साधना। वो भी शक्ति थी, खेती करने की भी शक्ति थी, व्यापार करने की भी शक्ति थी, घर गृहस्थी का विस्तार करने की भी शक्ति थी, लेकिन क्या किए? ब्रेक लगा दिए,
किस संभावनाओं को आप प्रकट कर रहे हैं भीतर में, जो है उसको साधना करके शांति मुक्ति साधु, जीवन को कल्याणमय बनाऊं। तो कहने का मतलब यह है, सद्गुरु क्या कह रहे हैं, सद्गुरु कह रहे हैं कि अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को जो जन्म जो मिला है, जो जीवन मिला है उसको अच्छा बनाओ। और उसी के लिए बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, काग गवन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। मैंने कहा ना दो बातें हैं, क्या कहा कि एक करने योग्य है और दूसरा है न करने योग्य। क्या हम सब अनजान हैं इससे, क्या हम सब अनजान हैं कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। कुछ बातें हो सकती जो अननोन हो, कुछ हो सकती हैं, लेकिन जितना हम जानते हैं उतने में ही करने लग जाएं, जो न करने योग्य है उसको हम छोड़ते चले जाएं और जो करने योग्य है उसको करते चले जाएं। तो जो अभी जो नहीं जान रहे हैं ना, नहीं जान रहे हैं ना, वे भी हम जानने लग जाएंगे, वो भी जानने लग जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है। अब प्रश्न ये हुआ, मैंने क्या कहा था कि चार बातें हैं, अब उन चार बातों में मैंने क्या कहा, दो बातें हैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात है। एक बात क्या है, कोई एक काम करो, या तो आप अपनी गलतियों को छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ, तो क्या होगा, सारी गलतियां जब खत्म हो जाएंगी तो अपने आप जो आपकी जो सच्चाई है वो प्रकट हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, एक में छोड़ो गलती को, अपने हाल पर छोड़ दो उसको, जो अच्छाइयां हैं बस उसको विकसित करते चले जाओ, उसको विकसित करते चले जाओ, एक काम करो। जानते हैं, कहीं आप गड्ढा खोदेंगे, समझ रहे हैं, कहीं आप गड्ढा खोदेंगे इसका मतलब क्या हुआ, कहीं आप टीला बनाएंगे, मिट्टी वहां से निकालेंगे, वहां गड्ढा हुआ तो वो मिट्टी जहां रखेंगे वहां पर क्या हो गया, ऊंची जगह हो गई, वो जगह ऊंची हो गई। तो एक काम आप करें, अब प्रश्न होता है कौन सा काम करें, प्रश्न होता है कौन सा काम करें, कोई भी करिए, कोई भी एक काम शुरू कर दीजिए। धागा होता है ना, धागा, धागा में दो छोर होते हैं और धागा उलझा हुआ है, एकदम से उलझा हुआ है, एक गोला है धागे का। अब किसी भी छोर को लेकर के आप सुलझा दें, चाहे इस छोर से चाहे उस छोर से, उद्देश्य क्या है, सुलझना चाहिए, सुलझना चाहिए। चाहे आप गलतियों को छोड़ने में अपने को समर्पित कर दीजिए, कोई बात नहीं, सुलझना चाहिए। चाहे आप अच्छाइयों को विकसित करने में अपने आप को समर्पित कर दें, सुलझना चाहिए, काम होना चाहिए। अब आप पूछेंगे आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे यदि आप पूछेंगे तो मैं कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा आप अपने गुणों को विकसित करने लग जाएं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वो तरीका गलत है, मैंने कहा ना एक नकारात्मकता, दूसरा है सकारात्मकता। नकारात्मकता को छोड़ते जाओ, दूसरा है सकारात्मकता को अपनाते जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, नकारात्मकता है ना उसको अपने हाल में छोड़ दो, उसको उसके बारे में न सोचो न बोलो न करो, मतलब उसको खुराक ही मत दो, उसको भूखे मरने दो। किसको खुराक दो, किसको खुराक दो, इसको, इसको विकास करो, इसको बढ़ाना है। अवगुण का जो अवगुण है उसके विपरीत गुण, दोनों प्रकार के गुण है कि नहीं है, गुण एक है सद्गुण दूसरा है दुर्गुण। मैंने कहा अभी पहले, एक है दुरुमति और दूसरा क्या है, सुमति। एक है दुराचार एक है सदाचार, बस एक अच्छा आचरण एक बुरा आचरण। आप जितना ही अच्छे आचरण को करते चले जाएंगे,
अच्छा व्यवहार करते चले जाएंगे, अच्छे पक्ष को उभारते चले जाएंगे, वो अपने आप विलीन होता चला जाएगा। उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत, संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, नहीं है। जितना आप जिससे लड़ते हैं ना, जितना आप जिससे लड़ते हैं ना, उतना ही वो सामने आता है। आप ध्यान दे दीजिए, जितना आप लड़ेंगे उतना ही वो सामने आएगा। ये कमाल की बात है। और प्रेम करेंगे तो भी सामने आएगा, प्रेम करेंगे तो भी सामने आएगा, और लड़ेंगे तो भी सामने आएगा। अच्छा, किसी आदमी से कभी आपकी लड़ाई हो गई, अब जब लड़ाई हो गई तब क्या हो गया, बोलचाल बंद। अब बोलचाल बंद हो गए तो क्या करें, चलो छुट्टी मिली। क्या लगता है, छुट्टी मिल गई? जितना आप मित्र को याद करते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा शत्रु को याद करते हैं, नोट कर लेना आप। क्या मैं सही कह रहा हूँ? वो सामने ही आकर खड़ा होगा बार बार, वही चित्रित होने लग जाएगा। जितना आप लड़ेंगे उनसे ना, और उनके प्रति दुर्भावना मन में जगती चली जाएगी। आप अच्छे के प्रति प्रेम करने लग जाएं और अच्छे की याद आने लग जाए, इसलिए लड़ाई मत करो। आप अपने ही मन के साथ लड़ने लगे कहीं, ये विचार मत आए मत आए मत आए करके देख लो, करते भी होगे ध्यान में। और जिसको आप लड़ करके हटाना चाहोगे वो नहीं हटेगा। अवगुण ऐसा नहीं है कि अपने दूसरे मंजिल की खिड़की जाएं और उस खिड़की से फेंक दें, फेंक के देखो, नहीं गिरने वाला है वो, जितना फेंकेंगे उतना चिपकेगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर ध्यान ही मत दो। किस पर ध्यान दो? सद्गुणों को विकसित करने में, सद्गुणों को। दूसरे शब्दों में कहूँ, अंधकार से लड़ाई मत करो, अंधकार से लड़ो मत। किसका क्या काम करना है, प्रकाश जलाने में मेहनत कर दो, और जैसे ही प्रकाश जला देंगे अंधकार अपने आप विलीन होता चला जाएगा। सद्गुणों को विकसित करना है, क्योंकि दोनों है। जैसे क्रोध है, तो क्रोध है तो क्षमा भी तो है, द्वेष है, नफरत है तो प्रेम और मैत्री भी तो है। प्रेम और मैत्री को बढ़ाएं, क्षमा को बढ़ाएं, आप उसके साथ क्यों लड़ाई करते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जाए। सहनशीलता, अभी चर्चा हो रही थी, सहन शक्ति, सहन शक्ति, सहनशीलता को बढ़ाएं। थोड़ा सा पेच है इसमें, जितना आप सहेंगे उतने ही मजबूत बनेंगे, जितना आप सहेंगे आपका सम्मान होगा, आपकी पूजा होगी, और जितना ही आप असहनशील होंगे, जितना ही आप में सहन शक्ति कम होगी, उतना ही आपका सम्मान घटेगा। एक मंदिर बन रहा था, बहुत पुरानी कहानी है, संगमरमर के पत्थर, एक मूर्ति तराशी जा रही थी, तो एक पत्थर को लेकर के मूर्तिकार तराशने लगा, कुछ गढ़ने लगा, कुछ दूर काम किया, फिर मारा, क्रेक हो गया। अब खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, है ना, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, अलग कर दिया। फिर क्या हुआ, दूसरा पत्थर लिया, फिर से उसको गढ़ने लगा, काफी दूर तक ले गया था, और वो भी क्रेक हो गया, उसको भी छोड़ दिया। तीसरे को लिया, बड़ी सावधानी पूर्वक करने लगा, करते 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 अंत तक के एक सुंदर मूर्ति के रूप में उस पत्थर में वो मूर्ति बना सका, एक विकसित कर लिया। क्या हुआ, जो मूर्ति बन गई, जो पत्थर मूर्ति बना, वह मस्त ठाकुर जी के आसन में सिंहासन। अब जो मंदिर बनाने ने कहा कि अभी पत्थर तो खराब हो गए हैं जो आप मूर्ति बना रहे थे, तो क्या करें, इसको सीढ़ी पर लगा देते हैं, सीढ़ी पर लगा दो। तो पहले वाले जो तराशते हुए टूट गई थी उसको सीढ़ी पर लगा दिया, दूसरे वाले क्या किए, खंभे, पिलर खड़ा हो रहा था, खंभे, खंभा बना दिया उसका। अब क्या हुआ, जो भी भक्तजन आते, भगवान की पूजा करते, आराधना करते, हाथ जोड़ते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपनी ज्यादा सहा, चोट ज्यादा सही उसने,
ज़्यादा मार सही है, पूजा होने लगी। अब प्रसाद मिलता, अब क्या होता, प्रसाद मिलता तो हाथ खा करके उस हाथ से किसे क्या करते, उसी हाथ को कहाँ पहुँचते, उसी खंभे से पहुँच लेते थे और उसी सीढ़ी से चढ़ के आते थे। अब जो सहेगा नहीं तो क्या होगा, पैर रखे जाएंगे, हाथ पोछे जाएंगे और कहीं सह लिया तो पूजा किए जाएंगे। एक बात आती है, कोई आदमी सह लिया, किसी ने कुछ कहा और सह लिया, लेकिन उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके शरीर को देख करके, देह भाषा से लगता है कि वो बहुत परेशान है, नाराज है, और उसकी क्रिया क्या हो रही है, यदि वो कोई पानी भी दे तो जोर से गिलास रख रहे, फाटक भी खोलो तो भड़ाक से फाटक खोल रहा है, तब कैसे कहा जाए कि वो सहन कर लिया है। तब उत्तर क्या है, सहन शक्ति है, सहनशीलता नहीं है। सहन शक्ति है, क्या कहा, सहन शक्ति है तभी वह मुंह से बोला नहीं। ये अच्छी बात है, सहन शक्ति है तभी तो नहीं बोला, लेकिन सहनशीलता नहीं है। सह तो लिया लेकिन अंदर में आग है, क्या होना चाहिए, शीतलता। शीतलता, सहनशीलता का मतलब अंदर से शीतलता भी हो, अंदर से भी लगे वो शांत रहे। सहने के लिए सह लिया, महत्वपूर्ण क्या है, सहनशील, सहनशीलता होनी चाहिए। और इसको मैंने एक दिन कहा था ना, समझ, सहन शक्ति की अपेक्षा समझ शक्ति। क्यों, सहन शक्ति में आप जितना बढ़ाते जाएंगे, अंदर में उनके प्रति बैर भाव, द्वेष भाव, बदले का भाव जगेगा, चुप तो रहेंगे, क्यों चुप रहेंगे, शक्ति नहीं है जवाब देने की, क्योंकि कुछ जवाब देना हुआ, जवाब दे दिया तब तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, कुछ भी कहे तो पता नहीं क्या हो, नौकरी से निकाल दे, कहीं से भगा दे, कुछ और नुकसान कर दे, वो मजबूत आदमी, हम कमजोर आदमी। एक आदमी सड़क से जा रहा था, ऊपर से एक इतना छोटा सा पत्थर, ऊपर एक भवन था, वहीं से खिड़की से एक पत्थर गिर गया और उसको चोट लग गई। अब इतना नाराज हुआ, दुबला पतला था मेरे ही समान, और बहुत नाराज हुआ, अभी जाके मजा चखाता हूँ, पत्थर को लिया ऊपर ऊपर, एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल पर पहुँच गया, अभी बताऊँगा। देखा एक बड़ा सा हाल था, एक बहुत जबरदस्त पहलवान दंड बैठक कर रहा था वो देखा क्या है, अब वो मारे डर के अब कुछ बोलने गए, अरे आपका पत्थर गिर गया था उसको पहुँचाने आया हूँ आपका पत्थर गिर गया था उसको पहुँचाने आया हूँ, क्योंकि यदि कुछ बोल दे तो वहीं मसल दे उसको, नहीं बोलेगा। इसका मतलब साफ है क्या, कि डर के मारे नहीं बोल रहे हैं, ये सही नहीं है। लेकिन यदि समझ है, समझ है तो भीतर से ही आप विलीन कर देंगे, जैसा है ये वैसे है, कोई बात नहीं है, मैं अलग, वो अलग, उनका अपना ढंग, उनका अपना स्वभाव, उनका बाजा अलग है, मेरा बाजा अलग है, उनका एक बाजा है। जब आप कभी देखे होंगे कहीं भी संगीत पार्टी में गए होंगे तो ढोलक की आवाज़ अलग है, हारमोनियम की आवाज़ अलग है, बांसुरी की आवाज़ अलग है, सितार की आवाज़ अलग है। अब आप कहो ढोलक को हारमोनियम के समान बजो, क्या होगा, झूठा आग्रह है ये तो, क्यों आग्रह कर रहे हैं, उसकी आवाज़ है और सबका तालमेल बना के संगीत निकाला जाता है। आप कहो कि नहीं, अब अच्छा जितने बाजे वहाँ हैं वो सभी एक प्रकार के आवाज़ निकालें, मज़ा आएगा, नहीं आएगा। क्या कहना है, एक्सेप्ट, ये ऐसे हैं, उनका ढंग है, मेरा ढंग क्या है, बिल्कुल अलग, मेरी आवाज़ बिल्कुल अलग, मैं अपने ढंग से। मैंने पहले कितनी बार कहा, जैसे को तैसा, ये सामान्य उत्तर है,
हनी को हना, पाप दोष न गना, जो मुहि मारा ताही मैं मारा, उसने मारा मैंने मारा, मैंने मारा उसने मारा, उसने मारा मैंने मारा, कब तक जाएगा? आँख के बदले आँख, आँख के बदले आँख लो, ये विधा क्या है? पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी आँख के बदले आँख लेने लगोगे तो। रुक जाओ, वो उनका ढंग, मेरा ढंग अलग है, मैं अपना ढंग, अपनी क्वालिटी क्यों घटाऊं? इसलिए क्या कहा? जैसे को वैसा, वो जैसा भी व्यवहार करे मैं वही व्यवहार करूंगा जैसा मैं पहले करते आया हूं, विनम्रता शालीनता, मीठे शब्दों में प्रेम की बात, ये मेरी क्वालिटी है। अब दूसरे की गलती को लेकर के मैं अपनी क्वालिटी घटाऊं तो क्या होगा? मैं भी वैसा ही, मैं भी वही दुर्गुण के पक्ष में चला गया, मैं भी वही दुर्मति के फेर में आ गया, जन्म को कहाँ अच्छा बना पाया, मैं भी कौवे की चाल में चलने लग गया। संकल्प क्या लिया है? हंस की चाल में चलूंगा, हंस का आचरण जीवन में लाऊंगा, ये संकल्प लिया है। अब वह संकल्प कहाँ चला गया? अब फिर से कौवे की चाल में चलने लग गए हो? नहीं, क्या करना है? नहीं, मैंने जो संकल्प लिया है, जैसा मैंने निर्णय लिया है जीवन में, वैसा, जैसा का वैसा, वैसा जीवन जीना, वैसा रिस्पांस देना है, वैसा व्यवहार करना है। तो ये जब बदलाव जीवन में आता है तब अच्छा जन्म बनाओ, जीवन अच्छा बन जाता है। तो सद्गुरु की ये पंक्ति, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, जो भी हमारे भीतर गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जो भी हमसे गलत व्यवहार हो रहे हैं, गलत शब्द निकल रहे हैं, गलत विचार उठ रहे हैं, सबको ध्यान में रखना है, सबको ध्यान में रखना है। व्यवहार सही हो, शब्द सही निकले, विचार सही हो, ये सारी चीज़ें जब बदलती हैं तो जीवन अच्छा बन जाता है। और सद्गुरु का ये संदेश है जिसे हम सबको भीतर में आचरित करना चाहिए।